हेलो मेरे दोस्तों, किसी हैं आप सब? नमस्ते, मैराथन समस्ते। दोस्तों, फ्री फायर के अंदर अभी आप लोगों को M24 का कुछ इस प्रकार का वेपन वाले दिखने के लिए मिल रहा था, जो कि आपको हमें किसी को भी पसंद नहीं था। लेकिन गुड न्यूज तो ये है कि 34 घंटे के बाद, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 34 घंटे के बाद ये जो वेपन वाले है यहाँ से हटने वाला है। और इसी जगह पे वेपन वाले के अंदर एक मस्त फ्रेश सा गन स्किन आने वाला है गाइस, अगर आप लोग नेक्स्ट वेपन वाले को देखना चाहते हो, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है यार। मुझे पता है आप लोग एक्साइटेड होंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देख लेना। चलिए फिर बिना किसी वक्त में बर्बाद किए शुरू करते अपना आज का वीडियो एंड शुरू करते अपना आज का कार्यक्रम। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फेब्रुअरी बुया पास के बारे में, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों का कमेंट्स में चेक कर रहा था, ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि जनवरी बुया पास कितना ज्यादा शानदार था, अच्छा दिख रहा था, लेकिन फेब्रुअरी का बुया पास उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा घटिया लग रहा है। ठीक है, इस चीज के ऊपर मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जरूर से जरूर पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि जनवरी बुया पास ज्यादा अच्छा था और फेब्रुअरी बुया पास उसके सामने पानी कम लग रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है? कमेंट करके जरूर से जरूर बता दीजिएगा, यस और नो में अपना अपना जवाब दे देना। बाकी मेल बंडल आप लोगों को जिस प्रकार का दिखने के लिए मिल जाता है इस बुया पास के अंदर, एक कीमोड भी आप लोगों को यहाँ पे दिखने के लिए मिलता है गाइस, अच्छा है। आगे चलने पर हम लोगों को यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाता है मस्त चमचमाता हुआ लेजेंडरी स्किन है, कॉर्ड का स्किन है, लेकिन ये कितना बड़ा है। पर सर जी, मैं तो कॉर्ड की स्किन के बारे में बात कर रहा हूँ, आप खुद देखिए राजा जी। ओके, ये कॉर्ड का स्किन आप लोगों को 150 लेवल के ऊपर मिल जाएगा और यहीं पे बुया पास सीजन 2 खत्म दी एंड हो जाता है। कि मुझे पता है इस बार का बुया पास में ना वो वाली बात नहीं है, पर अगला जो बुया पास आने वाला है, जो कि होने वाला है मार्च मंथ का बुया पास, यानी कि बुया पास सीजन 3, जल्दी में थ्रू बोल दिया, सीजन 3, ठीक है, वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मस्त तगड़ा होने वाला है गाइस। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है, आप लोग खुद देख लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वाले बुया पास के अंदर लेवल 1 पे ही हम लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं गन स्किन, जो कि परमानेंट नहीं मिलेगा आपको। लेवल 10 के ऊपर यहाँ पे आपको देखने के लिए लेकिन यहाँ पे आप लोगों को लूट बॉक्स काफी ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग को इधर पे क्या क्या चीजें परमानेंट देखने के लिए मिलता है गाइस। ओके, तो लेवल 50 के ऊपर जाकर के आप लोगों को फीमेल बंडल देखने के लिए मिलता है, अच्छा है, अच्छा दिख रहा है। इसके थोड़े आगे चलने के बाद, मतलब फीमेल बंडल को तो आप लोगों ने देख ही लिया है। ठीक है, तो फाइनली अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे चलने के बाद आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है ग्रेनेड का स्किन, जो कि आप लोगों को लेवल 70 के ऊपर जाने के बाद ही मिल पाएगा गाइस। ग्रेनेड आप लोगों को जिस प्रकार का दिखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है यार, आगे तक आप लोग थोड़ा सा इंतजार करो, बैकपैक दिखाऊंगा, वो काफी ज्यादा तगड़ा लगेगा आपको। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के सामने गाइस बैकपैक। ठीक है, लेवल 3 के ऊपर कैसा दिख रहा है आप लोग एक बार बस कमेंट करके बताइएगा। मेरे को तो ये वाला बैकपैक एकदम ओपी लगा, झकास सा लगा। ठीक है, इसके आगे चलने के बाद हम लोग को यहाँ पे फाइनली दिखने के लिए मिल जाता है मेल वाला बंडल, आप लोग खुद देखिए, मतलब मेरे को कहने की भी जरूरत नहीं है, बंडल कितना ज्यादा ऑसम दिख रहा है आप लोगों को। जो लाइट इफेक्ट हम लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है, सीजन 1 के अंदर भी थोड़े बहुत सिमिलर थे, तो इसलिए इसके ऊपर हम लोगों को वो बुया पास का फीलिंग आ रहा है। तो ये चीज ग्रेनेड ने यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा बनाया है, बंडल जो है काफी ज्यादा औसम बना है मार्च वाली बुया पास का। कि इसके बाद लेवल 30 के ऊपर, नहीं लेवल 130 के ऊपर जाने के बाद आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है एक मस्त साहित्य का स्किन। उसके आगे जाकर के आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ग्लोअल का स्किन, जो कि अगेन काफी ज्यादा अच्छा है गाइस। ठीक है, ये 140 लेवल के ऊपर जब आप लोग पहुंच जाओगे ना, तब जाकर के ये ग्लोअल का स्किन आप लोग को मिल पाएगा। देख सकते हो ग्लोअल के ऊपर ऐसे सिंह वगैरह निकला हुआ है। बाकी कंपैरिजन अभी खत्म होता है, अभी आप लोगों का ओपिनियन देने का वक्त है। ठीक है, फेब्रुअरी मंथ का बुया पास को आप लोगों के सामने रिव्यू करके दिखा दिया, इवन मार्च का बुया पास जो कि अभी तक आया भी नहीं है उसको भी आप लोगों को दिखा दिया, अच्छे से रिव्यू कर लिया। दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करें तो कौन सा ज्यादा बेहतर लग रहा है आप लोगों को, फेब्रुअरी का या फिर मार्च का, कमेंट करके जरूर से जरूर बता देना। बाकी वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे फ्री फायर में आने वाला नेक्स्ट टॉप इवेंट के बारे में, जो कि वैलेंटाइन की थीम के ऊपर है। ये टॉप इवेंट तो मैं आप लोगों को दिखाई दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। एक दिन कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, है ना, परसों नर्सों को एक दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो इस मंथ 2 दिन मैंने क्या छुट्टी मार लिया, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में भर भर के ये लिख दिया, वैलेंटाइन डे की तैयारी में वीडियो बनाना भूल जा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, 14 फेब की तैयारी कर रहे हो। गाइस देखिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं हमेशा अपने काम के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करता हूँ और करता ही रहूंगा। बाकी वीडियो के अंदर आगे बढ़ना चाहेंगे, अभी हम लोग मस्ती तो बहुत ज्यादा हो गया और आगे भी चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ वीडियो भी आगे बढ़ना चाहिए। सही बात है,
थोड़ा टाइम ही पहले हम लोग बात करने वाले थे वैलेंटाइन टॉपवेंट के बारे में, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं उसी टॉपवेंट के बारे में जो कि हो सकता है अपने गेम का नेक्स्ट टॉपवेंट भी हो जाए। इसमें अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ 100 डायमंड का टॉपअप करते हो तो फिर आप लोग के यहाँ पे एक प्लाज्मा का स्किन देखने के लिए मिल जाता है, एक थीम स्किन है, लेकिन यार ठीक ठाक से 100 डायमंड का टॉपअप करोगे तो यही तो मिलना चाहिए। ऐसा करने वाले बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ 100 डायमंड के टॉपअप के ऊपर भी करने वालों को लेजेंडरी स्किन देना चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर हम लोगों को यहाँ पे 300 डायमंड का टॉपअप करना पड़ता है तो फिर कटाना का स्किन देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है सिल्की स्वीट। ऐसा ही है ना, सिकली स्वीट गाइस, सिल्की नहीं, सिकली स्वीट इसका नाम है। मैं पढ़ने में थोड़ा सा गलती कर दिया था, बाकी आप सब सही है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टॉप इवेंट कुछ इस प्रकार का आ सकता है आप लोगों के लिए, हो सकता है ये अपना नेक्स्ट टॉप इवेंट हो जाए। अभी तो 4-5 दिन और भी होंगे नेक्स्ट टॉप इवेंट को आने के लिए, ठीक है। तो उसके बीच में मेरे को और भी कोई लीक मिलता है पक्का पक्का मैं आप लोगों को आकर के जानकारी दे दूंगा, वो भी बड़े आराम से। पहले वीडियो के अंदर आगे बढ़ना चाहेंगे और अभी हम लोग बात करना चाहेंगे गेम में आने वाला नेक्स्ट वेपन नोएल के बारे में, जो कि हमारा आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक भी है। तो क्या आप लोग भी नेक्स्ट वेपन नोएल को देखना चाहते हो? मैं भी देखना चाहता हूँ, तो चलिए मिलकर देखते हैं। लेकिन 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 उससे पहले यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड वाला बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे डाल देना गाइस, प्लीज ये सब काम कर लेना, क्योंकि वीडियो जब एडिटिंग वगैरह करते हैं ना इतना मेहनत लगता है क्या बताऊं। आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाओगे तो हमें लगेगा कि हाँ मेहनत रंग ला रहा है, तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे। तो गाइस कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलने वाला है फाइनल वेपन रॉयल होने वाला है पैराफेल का कुछ इस प्रकार का स्किन गाइस, इसका नाम भी वही है यार, पैराफेल सिकली स्वीट। क्या बात है, मतलब ये भी वैलेंटाइन थीम का है और वो टॉप इवेंट भी हमने दिखा था वो भी वैलेंटाइन थीम का था, इसका मतलब कुछ समझे दया? नहीं तू समझा नहीं। मतलब ये है कि बहुत ही जल्दी, जी हाँ दोस्तों बहुत जल्दी गेम के अंदर नया इवेंट आने वाले, बहुत बड़ा इवेंट होने वाले, वो भी वैलेंटाइन थीम के ऊपर। ढेर सारे फ्री के रिवार्ड्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे गाइस, मैं अभी से ही बोल दे रहा हूँ। बाकी कल मेरे ख्याल से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर पूरा एक्सप्लेन करके बता दूंगा इस बार का वैलेंटाइन इवेंट कैसा होने वाला है, उसके अंदर कौन कौन सी रिवार्ड्स आप लोगों को मिलने वाले हैं और ये इवेंट कब से शुरू होने वाले सब बताऊंगा। लेकिन कल तक आप लोगों को इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बाकी अभी अभी हम लोगों को मेलबॉक्स के अंदर तीन तीन मस्त मस्त आइटम देखने के लिए चुके हैं गाइस, इसको देखने के बाद आप लोगों के दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। ये वीडियो आप लोगों को कल सुबह इसी चैनल के ऊपर ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे डाल के रखो, कल सुबह सरप्राइज आने वाला है। पर अगर अभी आप लोग चाहोगे मैं आप लोगों को कुछ और सरप्राइज दे सकता हूं, होल इवेंट के बारे में आप लोगों को जानकारी दे सकता हूं गाइस, राइट साइड में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग अगर चेक करना चाहते हो, देखना चाहते हो होल इवेंट को, आप लोग वहां पे देख सकते हो। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, हम लोग बाकी बात करते हैं बाद में। मैं मिलता आप सभी से किसी नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से खेलते रहो, अपने सारे एनिमीज को मारते रहो।